करता है, कहाँ पे लाई करता है, सर्किल के सर्कमफेरेंस पे। तो भैया अगर ऐसे करके एक सर्कल बना दे और ऐसे करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिगर बना दे, अगर यहाँ पे तुम लोग देखो चारों का चारों सर्कमफेरेंस पे इसका पॉइंट अगर लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा क्वाड्रिलेटरल बुलाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बुलाते हैं। पहला बात तो ये हो गया। लेकिन इफ यू वांट टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल बी अ साइक्लिक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंगल को 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अपोजिट एंगल को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो हम लास्ट क्लास में प्रूविंग बताए थे, आज हम प्रूविंग नहीं बताए हैं, आज हम सिर्फ क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे। आज सिर्फ हम क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज। तो ये चीज ध्यान रखना, ये है x, ये है y, तो x plus y जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर ओपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर देता है तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भैया उसी तरह a और b भी तो है, हाँ, तो a और b को भी कितना डिग्री प्रूव कर दे, 180 डिग्री प्रूव कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज आज हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज आज हम लोग यूज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, ये चीज कहाँ यूज होगा, वहीं भैया जहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि ये गिवन फिगर जो है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा चीज हम क्या बताए थे तुम लोग को इसी में, कि भैया अगर आप इसका एक एक्सटीरियर एंगल बना दो, क्या बना दो, एक्सटीरियर एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ऐसे करके ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका एक साइड हम यहाँ पे क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें जो है क्या लिखते हैं, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला बात बताए थे तुम लोग को। इसके बाद हम क्या बताए थे, बता तुम लोग, इसके बाद बताए थे जब हम लोग दो कॉर्ड को इंटरसेक्ट करवा रहे थे तो एक रिलेशन निकाल के आए थे, एक बार बाहर इंटरसेक्ट किया था, एक बार अंदर इंटरसेक्ट किया था, तो थोड़ा सिमिलैरिटी भी पढ़ाए थे। तो लास्ट क्लास का वीडियो जरूर देख लेना अगर जो बच्चा अटेंड नहीं किया था। यहाँ पे देख, ऐसे करके एक सर्कल है, यहाँ पे दो कॉर्ड आपस में क्या किया, इंटरसेक्ट कर गया। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ था, ये ए बी है, ये सी डी है। हम एकदम नहीं बोल रहे हैं कि ए बी सी डी बराबर है, एकदम भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ए बी सी डी को बराबर नहीं बोल रहे हैं। ये इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे जिसका नाम क्या है, कुकी पी है, क्या है, क्या है, पॉइंट पी। तो भैया यहाँ पे आपका क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पे तितली बनाने बोले थे, क्या तितली बनाने बोले थे, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है, तितली तो नहीं बना, मकड़ी बन गया। तो ठीक है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, PC into PD हो गया। तो ये चीज बस रिलेशन ध्यान रखना, ये उस जगह क्वेश्चन आएगा जहां तुमको बोलेगा क्या करके, कि ये 5 है, ये x है, ये 6 है, ये 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो तुमको ये रिलेशन पता होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या किए थे, इसमें हम लोग ये ट्राइंगल बनाए थे और दोनों को सिमिलर प्रूव किए थे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बना के इसको क्या प्रूव किए थे, सिमिलर। देख टाइम कम है इसलिए हम तुमको वापिस तो नहीं बताएंगे, वीडियो देख लेना, अभी बस रिविजन मत करवा रहे। अब इसके बाद देखो क्या था भैया, ये एक्सटर्नली मीट किया था, क्या प्रोडक्ट है, सम नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो आगे क्या बता रहे हैं, यहां पे एक और क्या था, बाहर भैया मीट कर रहा है, कहां मीट कर रहा है, बाहर मीट कर रहा है, ये ए बी है, ये क्या है, सी डी है। तब क्या रिलेशन आएगा, तब आएगा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी डी इंटू पी सी, क्या लिखवाए तुम लोग को, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी डी इंटू पी सी। तो ये ध्यान रखना है तुम लोग को, ये एक रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास तक हम बस तुम लोग को यही चीज बताए थे, आज हम लोग इस पे थोड़ा बहुत क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा बहुत क्या बताएंगे, क्वेश्चन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताए थे, एंगल प्रॉपर्टीज सब, जो तुम लोग को काम देगा। एंगल प्रॉपर्टी सब क्या था भैया, वो भी बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बनाना है आज हम लोग को। तो ऐसे करके अगर ये एक सर्कल है, यहाँ पे मान ले सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना, जल्दी बता, सेंटर पे एंगल अगर 2x बना रहा है तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा, आधा भैया x। याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए क्या सिखाए थे, कि अगर ये डायमीटर है तो ये भैया 180 बना रहा है, तो सर्कमफेरेंस पे ये कितना बनाएगा, ये x बनाएगा, दैट इज 90 बनाएगा, कितना बनाएगा, 90। तो 180 का आधा कितना हो गया भैया, 90 हो गया। दूसरा इसी में क्वाड प्रॉपर्टी लगा देते, भैया देखो सेम क्वाड पे एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, सेम क्वाड पे एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे,
ये कॉर्ड जो है डायमीटर है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, तो भैया सब का सब कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सब पुराना चीज है, लेकिन तुम लोग हम बार बार याद कराते कि दिमाग में बैठ जाए, ध्यान रखना कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। वेरी गुड श्रुति। अब इसके बाद एक आगे क्या बता रहा है, तो इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो बहुत बच्चा गलती करता है, नहीं जानता है, वो क्या है वो देखो, और उसका बहुत काम आता है। वो क्या है भैया, एक मिनट, ऐसे करके एक सर्कल बना दिए, ऐसे करके एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, यहाँ पे भी एक एंगल बना दिए सेंटर पे। अब यहाँ पे देखो, अगर ये है तुम्हारा क्या रिफ्लेक्स एंगल, ये कौन सा एंगल है, इफ इट इज 2x, ये कितना है 2x, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है तुम लोग को। एक तो तुम लोग को यहाँ पे ये बताए बताए क्या बताए भैया आपको, कि इफ इट इज 2y तो ये कितना हो जाता है, y हो जाता है। ये फिगर बना लो तो तुम लोग पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तो प्रूफ किए थे, ये फिगर बना लो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आएगा, इसका क्या आएगा, एप्लीकेशन। आज हम सीधे तुम लोग को क्वेश्चंस करवाएंगे, बना लिया होगा सब तुम लोग, थोड़ा सुंदर बनाना सर्कल। ओके, साद आज अटेंड कर रहा है क्लास। श्रुति मोइशा का है, और भी बच्चे लोग आया है आज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बच्चा तो यहाँ पे है। आज नमीरा आई है, विदिशा भी आई है। तुम लोग प्रॉपर्टी लिख लिया होगा ऑप्शन एक, तुम लोग चुप हो जा। चलो अब देखो, रिकॉर्डिंग होता है, मत बोला कर, फिर आवाज आ जाता है यहाँ पे तुम दोनों के लिए भी यार। चलो अब देखो, अब आगे, अब इसका क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सीधे सीधे। चल दे, अभी इसका हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, क्या क्वेश्चंस है देखते जाना। तो इतना सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, फिर बोल रहे हैं वीडियो भेज दिए लड़की वाले ग्रुप में, लड़का लोग को भी भेज देंगे, तुम लोग देख लेना। यहाँ पे चलिए भैया, इतना सिंपल क्वेश्चन है, चलो हम बनाएंगे पहला क्वेश्चन। तुम लोग को बी सी डी बनाना है, तुम लोग को बी सी डी बनाना है, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टीज बताए थे उसके बेसिस पे ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, तो x और y निकालना है आपको, 128 डिग्री दिया हुआ है। तो मेरे को फटाक से बताओ, एक बोलता है यहाँ पे बोल दिया है तुम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोल दिया है कि इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो भैया 128 प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे भैया, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, समझा अर्चित। अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये बता, x का वैल्यू देख 52 लिखा हुआ है, 52 डिग्री आ गया, कहानी खत्म। अब y का वैल्यू कौन बताएगा मेरे को, अब देख y का वैल्यू कैसे निकाल रहा है, अनुराग विश्वास बताएगा हम लोग को, बता देख के क्या करेगा, वहां देख, देखो कितना इजी है। कोई बताना चाहेगा ऑनलाइन पे, ऑनलाइन वाला, कोई बच्चा, नमीरा बताना चाहती, बोल नमीरा। भैया 90 प्लस 52 प्लस y बस हमको यही जानना था भैया, ये डायमीटर है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमको क्या कोई मतलब ही नहीं 128 से। तुम लोग अभी x का वैल्यू कितना निकाला, 52, और ये रहा भैया पड़ा हुआ वाई, ये रहा पड़ा हुआ वाई, और यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कैसे तुम 90 ले लिया, जबरदस्ती है क्या, नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखाया है, क्या लिखना पड़ेगा, डायमीटर सब्सटेंस 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस। कुछ भी कोई भी वैल्यू लेता उसका रीजन दो, नहीं तो आधा मार्क्स चला गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, प्रीफंड का मार्क्स नहीं मिल रहा है, मार्क्स उठाने के लिए लिखना पड़ेगा तुमको, 52 प्लस वाई प्लस 180। ट्राइंगल का नाम लिखो किसमें, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, 52 प्लस कितना हो गया y, प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भैया
y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस कितना आ गया आपका 180 और यहाँ पे 2 और 9 142 और दैट इज कितना आ गया 38 आ गया। तो y का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 38 डिग्री आ गया। तो देख ले यहाँ पे, अब तुम लोग को बनाना है बी सी डी, सब बच्चा ट्राई कर सब बच्चा बना सकता है। और हम तुमको बोल रहे हैं यही क्वेश्चन सब आएगा, कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाओ तुमको सर्किल का क्वेश्चन सब देख लेना मिल जाएगा। दो क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी पे, दो क्वेश्चन, चलो बना के दिखाओ मेरे को। रिया विदिशा सब बनाएगी, कोई बैठना मत, सबका सब बनाना, नायरा नमीरा सब। स्टेपलर फेंक के मारेंगे, अपना बना दो। सर्किल बना ले सुंदर सा, देख अभी आज अभी हम तुमको बन गया, वेरी गुड। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रहा है जो आज बताए भी थे स्टार्ट होने से पहले चैप्टर, वेरी गुड। जो बच्चा बना लिया लोगो बहुत बढ़िया बात है। हाँ अब देख यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज बहुत अच्छा, बहुत बच्चा चैट में भेज रहा है आंसर्स। सम्राट भी बना लिया, वेरी गुड सम्राट। यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे भैया, बना दी हम भी। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके ये दिया हुआ है, चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन दिया था, तो तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताए कि ये वाला जो एंगल होगा इसका क्या हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये 2x है तो भैया ये दिस विल बी x, दिस विल बी x, ये बताए थे। तो देखिए यूज हो रहा है, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन बनाते बनाते उलझ जाते हैं, तो उसको उलझना नहीं है तुमको, देखो प्रॉपर्टी बस जो पता उसी पे आंसर रचाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहला चीज 2x लाए कैसे, भैया देखिए यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि दिस इज 160 डिग्री। ये कितना डिग्री है 160, यस। देख यहाँ पे अगर ये 160 है तो बता मेरे को रिफ्लेक्स एंगल, एंगल एट ए पॉइंट कितना हो जाता है, ये 160 हाफ, हाफ एंगल एट ए पॉइंट 360 हो जाता है। ये एंगल एट ए पॉइंट हुआ ना, ये टोटल एंगल इज 360 डिग्री। तो 160 देख कितना अच्छा डाटा देता है, क्या हो जाएगा मोनल 360 में 160 घटा देंगे कितना बचा 200, तो भैया दिस इज 200, ये 2x आ गया, 2x दैट इज 200, इसका आधा 100। तो देख ये x का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, देख ले। इससे सिंपल क्या रहेगा तुम लोग के लिए, बनाओ सी और डी। देखो बच्चा लोग सारा बना लिया है, जो जो बना ले रेज हैंड जरूर करना। खुशी नहीं आई आज, आई है अनुराग, तेरा भी घर पास में आना चाहे तो आ सकता है, तुम भी भैया क्वेश्चन दीजिए ना। क्या बोले, अरे भैया क्वेश्चन बोल रहे थे। अच्छा अच्छा दे रहे, सीडी बना लिया है, अब यहाँ पे तुम लोग देखो क्या दिखा रहा है, ऐसे करके एक सर्कल बना दिए, ठीक है, ध्यान देना सब बच्चा। यहाँ पे ऐसे करके एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ये 4x है, ये 4y है, ये 5y है और ये x है। तो देख इससे इजी सब क्वेश्चन क्या होगा, भैया ओपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्योंकि 180 होता है, तो 4x plus x 5x, 5x is equals to 180 degree, भैया 5y plus 9y, 4y 9y 180 degree, तो y का वैल्यू आ गया 20 डिग्री और x का वैल्यू कितना आ गया 36, ठीक है, कितना आ गया 36 आ गया। तो देख ले इससे दोनों का वैल्यू निकाल लिए, चलो भैया ये भी हो गया, और बनाते हैं। तो देख कितना इजी क्वेश्चन सब है, तुम लोग को इसका रिवीजन एक्सरसाइज बनाना, उसमें अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुलाम सर उससे क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे देख आगे क्या बता रहा है, ऐसे करके एक सर्कल दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे और इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा मेरा फिगर गलत है, ये रहा ऐसे करके, दिस इज 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये अगर 80 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को सिखाए थे ऐसे करके अगर सर्कल है,
यहाँ पे ऐसे करके ये बना हुआ है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस विल बी इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर भैया इफ इट इज 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 80, और हमको कौन सा एंगल निकालने बोल रहा है x, तो भैया देखिए दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो 80 प्लस एक्स 180, तो एक्स का वैल्यू 100, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। नयन और यश बात मत कर, बना x प्लस 80 कितना हो जाएगा 180, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 80। भैया 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। अच्छा सॉरी, हम गलती बोल दिया, x प्लस 80 इक्वल्स टू 180, x का वैल्यू 100 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस और बनाते हैं, ये तो हो गया। अब आया ये क्वेश्चन, ये दो प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, हम इसको बोर्ड पे बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे पहला तो हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, याद है तुम लोगों को कोई भी दो लाइन को पैरेलल करने का क्या क्या तरीका होता था? हाउ कैन यू प्रूव अ लाइन आर पैरेलल, ठीक है, कैसे तुम लोग इसको प्रूव करोगे कि दो लाइन पैरेलल है? तो याद जब दोनों लाइन मीट नहीं करेगा, फिर से बोल, या जब दोनों लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो मीट नहीं करेगा, तो पैरेलल हो गया। कहां तक ले जाएगा तुम? दोनों का स्लोप होगा। सुन, दो लाइन को अगर पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है, तो क्या होगा? पहला भैया, दो लाइन का अगर हम इंटीरियर एंगल का सम निकालते हैं, ठीक है, अगर वो 180 डिग्री आ गया, ठीक है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो आएगा वो कितना डिग्री आएगा? वो 180 आएगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो आएगा वो कितना डिग्री आएगा? 180 आएगा। दूसरा सुन क्या है, दूसरा है कि भैया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल आता है, क्या आता है? इंटीरियर अल्टरनेट, क्लास 7th में पढ़ा था ये चीज, तुम लोग जो भूल गया। दो लाइन को प्रूव करने के लिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को क्या करना पड़ता है? इक्वल। तीसरा क्या था? इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। भैया ये दो लाइन का अगर हम क्या कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर देते हैं, कौन सा एंगल को? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर देते हैं, तो भी लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो ये तीन तरीका है, और कुछ भी तरीका नहीं है जिससे तुम दो लाइन को पैरेलल प्रूव कर सकते हो। तो ये तीन तरीका तुम लोग को ध्यान रखना है। देखो साथ साथ प्रॉपर्टीज बताते जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बताएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ये है, तो प्रॉपर्टीज टू प्रूव अ लाइन अ पैरेलल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 आना चाहिए, फिगर भी बना दिए, को इंटीरियर क्या होता है दिखा दिए तुम लोग को। दूसरा चीज है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा चीज क्या बताया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। जितना मार्क के खाली इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वो नहीं है, ये दोनों भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, वो इसीलिए लिखवा दिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हो गया ये कहानी भी खत्म। अब इसके बाद देखो फिर दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्वेश्चन जो था उसके लिए हम बता रहे थे, तो अब क्वेश्चन में क्या है, चलो देखो तो जरा सा तुम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, मेंशन कर दिया है कि ये दोनों क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, ये दोनों क्या है, साइक्लिक है। इफ टू साइड्स ऑफ, ये जो तुमको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल वो साइक्लिक है। दूसरा चीज कि दोनों पैरेलल है, दो साइड क्या है, पैरेलल। प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर इक्वल, दूसरा दो साइड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल। कैसे प्रूव कर सकते हैं भैया? पहला चीज तो यहाँ पे ये देखो तुम लोग, और दूसरा चीज यहाँ पे क्या बोलता है, डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें तो भैया पक्का पक्की कंग्रुएंसी लगना है, हमको साइड्स को इक्वल करना है, तो क्या लगने वाला है, कंग्रुएंसी लगने वाला है। क्या लगने वाला है? कंग्रुएंसी। तो हम इसको थोड़ा बोर्ड पे बताएंगे, बस हमको एक मिनट दे देना बोर्ड पे, ले चलते तुम लोग को। देखिए यहाँ पे फिर से बता देते एक बार, पहला चीज हम लोग को दिया हुआ था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब एक चीज सुन, अगर हम बोल दिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मेरे को बता कुकी और एक रिलेशन इससे उठ के आएगा, क्या? इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या उठ के आएगा? एक्स ए और बी में रिलेशन, एक्स इज इक्वल टू ए नहीं बी, वाई इज इक्वल टू ए, वेरी गुड, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये आ गया कि भैया आप देखो x प्लस बी 180 आ गया, y प्लस ए भी कितना आ गया, 180 आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये साइड को AD को BC के बराबर प्रूव करना है, पक्का। अब चलो बताओ AD BC किस ट्रायंगल का पार्ट है? AO। भैया इसको अलग कर देते हैं, देखो
तुम लोग क्लास सेवेंथ एट में कंगेंसी बनाना सीखा था, उसी में पहला फिगर यही था। पहला फिगर याद करो तुम लोग, ये याद आता है ये फिगर, इसको कंग्रेंट करो, इसको क्या करो कंग्रेंट। हमको क्या करना है, ये ए डी और ये बी और सी को कंग्रेंट करना है। पक्का तुम लोग पहला चीज तो देखो क्या डीसी कॉमन आ रहा है। सर्किल में तो एक और प्रॉपर्टी पढ़े, क्या पढ़े भैया, कि अगर सेम कॉर्ड पे सर्कमफेरेंस पे अगर एंगल बन रहा है, ये एक्स तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये एक्स तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। तो तुम लोग देख सकता है ये रहा डीसी सेम कॉर्ड, यहाँ एंगल ये एक्स, यहाँ पे ये एंगल एक्स, कोई दिक्कत है इस चीज पे। दूसरा चीज बेस क्या है दोनों का, एक एंगल अगर निकाल लेते हैं तो ए एस क्राइटेरिया लग सकता है ना, तो वही एंगल निकालने जा रहे हैं। वो एंगल कौन सा एंगल होगा, इसको अगर अलग कर देते और अलग करते तुम लोग को समझाने के लिए, इसको ऐसे करके इसका नाम क्या है ए डी सी, इसका नाम क्या है इधर वाले का बी डी सी, भैया डीसी डीसी कॉमन। अभी आप तुरंत एंगल ए को एंगल बी के क्या किए बराबर किए, कैसे बराबर किए, सेम कॉर्ड पे सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, क्योंकि इक्वल होता है, वो क्या होता है बराबर होता है, कर दिए। अभी भी बचा हुआ और क्या ले, और क्या ले, तो अब चलो यहाँ पे हमको y को b के बराबर करना पड़ेगा। y को तुम लोग देखो ये वाला जो एंगल d पे आ रहा है ये है d, d पे क्या आ रहा है y आ रहा है, और c पे क्या आ रहा है b आ रहा है। अगर y और b को बराबर कर देंगे तो क्या मेरा काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यही चीज का यूज करना पड़ रहा है। तो चलो देखो मेरे पास पड़ा है x plus b equals to 180 degree, ठीक है, x plus b equals to 180 और x plus y भी कितना डिग्री, ये आया कहां से, ये आया from cyclic quadrilateral, ये कहां से आया, ठीक है भैया इसका भी काम ही नहीं है। और यहां पे देखो ये जो आया x plus y कितना डिग्री 180 डिग्री, ये कहां से आया sum of co-interior angle, sum of co-interior angle आया is 180 degree। तो क्या आया बता, x plus y is equals to 180 degree। Equation 1 और equation 2 क्या बराबर है श्रीजेता, क्या बराबर है, हाँ भैया हाँ, equation 1 और equation 2 बराबर है भैया। तो हम लिख देते हैं x plus b is equals to x plus y, भैया ये भी 180 ये भी 180, भैया देखिए x x काट दीजिए सेम है, ठीक है इधर जाके कैंसिल ही हो जाएगा, तो b किसके बराबर आ गया y के, तो b जो है वो y के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे देखो ये एंगल बराबर इसके आ गया, ये एंगल किसके बराबर आ गया इसके, और ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड a a n से तुम्हारा ट्राइंगल a d c इज इक्वल एंड कंग्रेंट टू b d c बाय कौन सा क्राइटेरिया A A S। हम फिर बना देते हैं फिगर, मिटा दिए लेकिन हम फिर बना देते हैं तुम लोग के लिए, दिख रहा है रेड कलर, दिख रहा है ये D है ये A है ये C है, ठीक है ये D है ये B है ये C है, ठीक है सब अच्छा देख, यहाँ पे हम ये दोनों बना दिए। अब यहाँ पे देख पहला चीज क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, क्योंकि सेम ये रहा प्रॉप ये रहा, ठीक है कि सेम कॉर्ड सब्सटेंस सेम एंगल एट सर्कमफेरेंस, सेम कॉर्ड सब्सटेंस सेम एंगल एट सर्कमफेरेंस, ये वर्ड भी नहीं लिखोगे तो गया कहानी खत्म। सर्कमफेरेंस पे बनाता बाहर अंदर नहीं, सर्कमफेरेंस पे ही बनाता है, तो यहाँ पे बना दिया कहानी खत्म। डीसी इज इक्वल टू डीसी कॉमन हो गया, अब आया क्या ये प्रूफ किया, ठीक है तीसरा चीज के लिए हमको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे देखो डी, यहाँ पे डी को क्या माने थे वाई, ये वाई, और यहाँ पे सी को क्या माने थे बी, तो क्या वाई बी के बराबर ले आए हैं, हो गया बराबर। तो देखिए भैया ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और ये साइड क्या हो गया कॉमन, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया कंग्रेंट हो गया। तो पहला सी पी सी टी से AD is equals to BC, पहला CPCT से AD is equals to, दूसरा CPCT से AC is equals to BD, दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है।
हो गया प्रूफ, कहानी खत्म। तो बस प्रॉपर्टी का यूज किए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का यूज किए ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, भैया हम क्या करें एग्जाम में प्रूविंग आएगा तो हमसे तो बनता नहीं, हम लोग के दिमाग में बैठा दिया गया, कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी का यूज करो, जब भी कोई साइड्स को बराबर करना है ये चीज दिमाग में रख ले, हमेशा कंग्रुएंसी लगना ही लगना है। कंग्रुएंसी के बिना तुम साइड्स को बराबर नहीं कर सकते, तो कंग्रुएंसी किए। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहे कि यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का प्रॉपर्टी लगेगा, तो वही प्रॉपर्टी लगा और आंसर निकला। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हम तुमको बताए। अब यह इससे क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है बता। रिजल्ट यही निकल रहा है कि अगर हम बोल देते हैं एक सर्कल है जिसमें दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 30, ठीक है, खत्म कहा। ये 30 तो ये भी कितना 30 हो गया, समझ में आ गई ये चीज। अच्छा ये 30 तो ये हाँ ये 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, आ गया ना समझ में। देख लो सबको जोड़ के, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 150 आ जाएगा, टोटल का सम आ जाएगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। देख ले हर तरीके से मैथ जितना भी पढ़ा सब यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ये हुआ एक एक प्रूविंग। अभी दूसरा प्रूविंग भी बहुत अच्छा है, चलो देख। अभी जो चीज लिखवाएंगे वो लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम रिवाइज करा रहे जो क्लास 9th में पढ़ा है तुम लोग, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि वो लगा के ये बना पाएंगे, तो चलो देखो और सीखो। लिखना सब अच्छा। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है या मिड पॉइंट ही क्या होता है, भाई हम लोग तो वो भी भूल गए, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, तुम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, चलो हम तुम लोग को आ ही रहा है पूछ ही लेते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे करके ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ये एक्स वन है ये वाई वन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू। अब यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है पी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन, वहां पे क्या है एक्स टू वाई टू। तो ये जो पी पॉइंट है इसका वैल्यू कितना आएगा भैया, अगर ये मिड पॉइंट है भैया एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। हाँ, x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2, तो ये मिडपॉइंट सेक्शन फॉर्मूला है भैया। तो उसी तरह ये मिडपॉइंट जो होता है इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। मिडपॉइंट जो है दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, अब हम तुमको मिडपॉइंट थ्योरम बताएंगे भैया। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब यहाँ पे ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। तेरा टीचर बोल दिया कि ये P एंड Q आर मिड पॉइंट, P एंड Q आर, तो पहला गिवन में हम क्या दिए P एंड Q आर, तो रिजल्ट क्या आने वाला पता है। तो इससे रिजल्ट ये निकलेगा, सुन, कि PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज हाफ ऑफ BC। ये दो रिजल्ट निकलेगा, ये कहां से आया, बाई MPT। तुम लोग पूरा लिखना, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। पी क्यू मिड पॉइंट है, मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, ये बराबर भैया इसके है, ये बराबर इसके। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं तुमको कि ए बी और ए सी बराबर है, हम तुमको एकदम नहीं बोले हैं यहाँ पे कि ए बी और ए सी बराबर है, हम ये बोल रहे हैं तुमको कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। P and Q are midpoints of AB and AC respectively। तो देख ले यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग करके दिखाए, भैया ये तीन है तो ये तीन है, ये चार है तो ये चार है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा भैया, आपका PQ parallel आ जाएगा BC के और PQ half आ जाएगा BC के। तो ये दो रिजल्ट तुम लोग को ध्यान रखना है, हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या है, एक और चीज लगता है, याद करवाते तुम लोग को, CMPT क्या है पता है, फुल फॉर्म इसका कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इसमें गिवन में क्या दिया रहेगा, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें बस ये मिड पॉइंट दिया है, क्यू कुछ नहीं दिया है, ठीक है। गिवन में है क्या कि पहला चीज दिया हुआ है पी क्यू बी सी के पैरेलल है, क्या दिया हुआ है तेरे को। दूसरा चीज दिया है पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द, तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से भाई सी एम पी टी से क्या हो जाएगा, क्यू इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, क्यू इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। चल लिख ले तो जरा सा इतना सा पहले।
ये इसका रिजल्ट आया इस दोनों से भाई, CMPT Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ये लिख ले इसके बाद हम लोग, तो ये वाला पॉइंट भी क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। इसका यूज करने वाले कब ऐसा होता है, जब हमको दिया रहे कि ये और ये बराबर है, ये और ये क्या है बराबर, और पी भी क्या है मिड पॉइंट है, पी भी क्या है मिड पॉइंट है। यहां पे देखो फिर क्या करना है अपने को, द पॉइंट्स एल के एम एन आर को कौन साइक्लिक। सबसे पहला चीज तो भूल जाओ कि ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे इसको हमको भूलना नहीं है, इसको यही मानना है कि दो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, दो क्वेश्चन मानना है। पी एल इज इक्वल टू एल क्यू, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और हमको इसका और इससे दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, पहला और दूसरा एकदम अलग अलग है। हमको बोलता है कि एल के एम एन आर को साइक्लिक कैसे प्रूव कर सकते हैं, कौन साइक्लिक प्रूव करने का तरीका एक ही है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बस यही कर सकते हैं। अगर हम तुमको प्रूव करके दे देते हैं कि एल के एम एन का चार पॉइंट्स में कोई भी दो पॉइंट 180 डिग्री है, कसम भैया इसमें से अगर हम एल के एम एन में, ठीक है देखना ध्यान से, चाहे ये एक्स ये वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू अगर हम 180 प्रूव कर दे, या ए और बी का वैल्यू हम क्या कर देते 180 प्रूव कर देते, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, हो गया कहानी खत्म। तो एक तो तरीका इसका ये बताए, दूसरा कुकी बताए कि कोई भी साइड्स को अगर हमको बराबर करना है तो वहां पे क्या लगने वाला है, कंग्रुएंसी। अब ढूंढो वो ट्राइंगल जिसमें कौन है पड़ा हुआ, पीएल और एलके, पीएल एलके किस ट्राइंगल का पार्ट है, रुको हम गंदा कर दिए मिटा देते हैं, पीएल और एलके किस ट्राइंगल का पार्ट है, और उस पीएलके तो तुम लोग को दिख रहा होगा भैया पीएल ये रहा पड़ा हुआ आपका, ये रहा बहुत छोटा फिगर है पीएल ये एलके ये, तो इसका मतलब मेरे को ये ट्राइंगल तो उठाना ही पड़ेगा, ये ट्राइंगल तो हमको उठाना ही पड़ेगा। अब मेरे पास इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अराइज करता है, तो इस ट्राइंगल में मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया पड़ा हुआ, लेकिन हाँ एक चीज दिया हुआ है कि L जो है वो मिड पॉइंट है, L क्या है, और एक चीज और दिया हुआ है, देखो अब स्टार्ट करते ये क्वेश्चन, दोनों लगने वाला है यहाँ पे, कन्वर्स भी लगने वाला है और मिड पॉइंट थ्योरम भी लगने वाला है, कन्वर्स भी लगने वाला है और मिड पॉइंट भी, बस हमको एक मिनट का समय दे कि हम बोर्ड पे उतार ले। सब बच्चा देखना है यहाँ पे, ये जो फिगर दिया हुआ है अपने को यहाँ पे, ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें पहले तो कौन कौन मिड पॉइंट दिया हुआ उसको हम डार्क कर देते, और हमको एल मिड पॉइंट दिया था, एन मिड पॉइंट दिया था और एम मिड पॉइंट दिया था, इनको डार्क कर दिए। दूसरा चीज ये 90 डिग्री दिया, ये कितना डिग्री दिया है, और हमको प्रूफ करने बोला है पीएल को एलके के बराबर, ये था ना पीएल को एलके के बराबर, चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते ये क्वेश्चन बनाना, आप लोगों को भैया पहला चीज बताए बाई मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, देखते जाना ये फिगर में, L और N ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, L और N मिड पॉइंट है तो LN पैरेलल टू किसके आया, आ गया ये चीज LN पैरेलल टू QR आ गया। भैया हम इसको और इस लाइन को पूरे को क्या कर दिए, क्योंकि ये और ये क्या है पैरेलल, ये और ये मिड पॉइंट है, एल पहले क्या लिखेंगे ऐसे करके इन ट्राइंगल पी क्यू आर एल एन एन आर मिड पॉइंट, ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, ठीक है, एल एन इज पैरेलल टू क्यू आर। भैया इसका काम क्या पढ़ने वाला अपने को, कुछ तो नहीं आ रहा है, रुको दिखाते हैं, जिससे ये आ गया कि ये लाइन क्या हो गया, अब इससे ये फायदा मिला, ये ट्राइंगल में देखो जरा सा पी क्यू के कौन सा ट्राइंगल में हम इधर बना रहे, देख ये ट्राइंगल में पी क्यू के देखना था बच्चा, इसमें एल क्या दिया हुआ था और एच कुछ दिया हुआ है, लेकिन एल एच क्या है किसके, तो इससे एच भी क्या आ गया कौन से थ्योरम से, कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, तो इससे ये मिला, हमको ये लाइन पैरेलल नहीं दिया था, ये लाइन हमको पैरेलल, हम मिड पॉइंट थ्योरम से पहले इन दोनों लाइन को क्या किए पैरेलल किए, ठीक है, पहले क्या किए पैरेलल,
तो ये लाइन क्या आ गया, पैरेलल आ गया। अब भैया ये ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू के एल इज द मिड पॉइंट, एल इज द मिड पॉइंट। एंड एक और बात क्या था, एल एच इज पैरेलल टू, तो बाई सी एम पी टी क्या आ गया, एच इज ऑल्सो अ। इससे ये फायदा मिला, हम तुमको बोले थे इनको वो ट्राइंगल में कुछ चाहिए प्रूफ करने के लिए, इससे ये मिड पॉइंट आ गया, भैया ये बराबर इसके हो गया, ये बराबर हो गया कि नहीं हुआ, ये मिड पॉइंट आ गया तो ये बराबर इसके हो गया, कहानी खत्म। अब भैया ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री, तो ये भी कितना, ये भी कितना, दूसरा एंगल आ गया, और ये साइड क्या आ गया, कॉमन। कंग्रेंट कर दिए, कंग्रेंट कर दिए कौन से क्राइटेरिया से, ऐसे रखने लिख रहे हम उतना ज्यादा, ठीक है। तो इस 90 के ऑपोजिट कौन सा साइड, पीएल। इस 90 के ऑपोजिट कौन सा साइड, किससे, बोलो बोलो, गाता था ना सीपी सीटी सी, तो सीपी सीटी से ये दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, किससे, सिंपल क्या हो गया। अब रुको, अब ये पैरेलल तो हो गया, इक्वल तो हो गया, तो ये कैसा ट्राइंगल है भैया, आइसोसेलस ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलस। अब रुको, एक और चीज प्रूफ करना था हम लोगों को, ये आइसोसेलस है भैया, ये ए तो ये भी कितना ए, ये ए तो ये भी कितना, हमको अभी एक और चीज बचा हुआ प्रूफ करना, वो क्या है, वो है दूसरा, दूसरा चीज जो दिया था, बोला था कौन कौन सा पॉइंट, एल के एम एन, एल के एम एन भैया, एल के एम एन, इसको को साइक्लिक प्रूफ करना है, इसको क्या प्रूफ करना है, को साइक्लिक प्रूफ करना है, यही ना। तो सबसे पहले फिर से चलते कौन सा ट्राइंगल में, पी क्यू के में, इसमें पी क्यू के में, यहां पे अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है, देखो ये लाइन और ये ट्राइंगल एल एन और क्यू एम, ये दोनों क्या है, ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे हमको ये वाला जो फिगर है, ये वाला जिसको हम रेड कर रहे हैं, इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, दिख भी रहा होगा, देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई ये सब नहीं, फीलिंग में नहीं जाना कि हम देख के बोल देंगे भैया, नहीं, यहाँ पे हमको क्या होगा, बता प्रूफ करना पड़ेगा मैथ से, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, मैथ से तो मैथ के अकॉर्डिंगली प्रूफ करके बताओ कि ये पैरेललोग्राम है। एक चीज तो आ चुका है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये तो आ चुका है, अब क्या करें, और अब क्या करें, हम लोग उसको बराबर तो कर दिए, ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा, तो चलो प्रूफ करते हैं, दिखना हम क्या कर रहे हैं। अब हम उठाते कौन सा ट्राइंगल, तुम लोग यहाँ पे देख, जब कंफ्यूज हो जाने लगो तो क्या करो, सब फिगर को अलग कर दिया करो, यहाँ देखना, ये वाला ए एंगल माने, ठीक है, हम क्या एंगल माने इसको, ये ए, ये भी ए होगा, इस ट्राइंगल में देख, ये आइसोसेलस ट्राइंगल बन गया, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, दिस इज आइसोसेलस, कौन सा, पी एल के, जिसमें लास्ट प्रूविंग की हम लोग, इसका तो कहानी खत्म कर दी भैया। अब ये साइड बराबर है, इफ इट इज ए तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैसे भैया, बेस एंगल बराबर होता है आइसोसेलस ट्राइंगल का, चलो कर दिए। अब इसके बाद बताओ, अब यहाँ पे भैया ये ए तो ये ए, रुक जा, अब हम लोग उठाए कौन सा, अब ये देख, ये टोटल कितना एंगल है, ये टोटल कितना एंगल होगा, 90 हो जाएगा, ये टोटल कितना एंगल हो जाएगा, 90। इसको एक बार क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी, हमको बताओ ए, इसका कहानी खत्म हो गया, हम मिटा देते हैं, हमको बता ए प्लस बी प्लस ए टोटल कितना आया, 90, ये इक्वल्स टू 180, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 90। इन ट्राइंगल पी क्यू के, इन ट्राइंगल पी क्यू के, यहाँ पे आप लोग देखो ए प्लस बी और यहाँ पे 90, ये कितना डिग्री के बराबर आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है, कितने डिग्री के बराबर आ रहा है, 180 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, यही चीज बुक में किया है, अब इसके बाद कौन सा एंगल ले रहा है, बुक वाला, बुक वाला ले रहा है ये वाला पी, हमको ये बता, यहाँ पे ले रहा है पी के एल, पी के एल एक ये, और कौन सा एंगल ले रहा है, पी क्यू के, पी क्यू के कहाँ पे, पी क्यू के, ये दोनों का जो सम है वो क्या कर रहा है,
90 ले रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? ए, हाँ यहाँ पे तुम लोग देखो ये ए प्लस बी कितना डिग्री प्रूफ किए, ए यहाँ पे है, ये इतना सा ए है, कहाँ से भाई इतना सा ए है, में हो गया। यहाँ देखना एक बार सब बच्चों, सबसे पहला चीज बात मत करना, सुनना यहाँ पे, यहाँ पे हम तुमको बोले थे पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए सिर्फ अपोजिट साइड्स को क्या करना पड़ता है, अपोजिट साइड्स को पैरेलल, अगर अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो भैया यहाँ पे QM और LN ऑलरेडी क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो निकल गया LQMN ये वो क्या आ गया, पैरेललोग्राम। पहले चीज तो ये समझ लो, हम बोले यहाँ पे क्योंकि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये और ये दोनों क्या दिया हुआ है, पहले ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, और यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा चीज है तुम क्या बोलो, दूसरा साइड भी आ गया, तो ये भी ये लाइन भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। लेकिन कोई एक साइड को भी कर दो कहानी खत्म है, तो हम लोग एक साइड को इसको करते हैं, तो इससे ये क्या हो गया, ये पूरा एल एन एन क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम। यहाँ ध्यान दे, अब पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सर क्या होता है, इक्वल। अब भैया आप इसको बी मांगे थे, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स को क्या करती है हम लोग, इक्वल करती है, ये बी है तो ये भी कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। वो सब तो भी अपनी जगह है, गलती ये हो गया था कि ए और बी के चक्कर में कंफ्यूज हो गए, पी के एल, देख ये रहा पी के एल, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, पी के एल ये रहा प्लस पी, ये पहले तो यही चीज, ये ट्राइंगल में पी क्यू के में, पहले तो हम लोग क्या उठाते, पी क्यू के, भैया ये ए है, आप इसको बी माने, और ये टोटल एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, टोटल एंगल कितना है, 90, तो ए प्लस बी प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। इससे मेरा रिजल्ट क्या आया, कि 90 उधर चला गया, ए प्लस बी कितना आ गया, 90। अब यहाँ पे देखो ये बराबर, ये देखो हम लोग कौन सा एंगल लिए थे, ये वाला एंगल लिए थे, अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, बस यही चीज गलती हो रहा था, तो ये एंगल की जगह ये एंगल को पुट कर दिए, पी के एल प्लस पी क्यू के, यही ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो ये वाला आया था, ए प्लस बी का सम कितना आया था, 180, 90 आया था, ए प्लस बी का सम कितना आया था, 90। तो भैया ये ए प्लस बी का सम 90 आया था, और ये ए, इस ए की जगह कौन सा ए लिख दिए, ये वाला ए लिख दिए, कौन सा ए लिख दिए। अब बताते ये ए क्यों लिए, हमको कौन सा पॉइंट को साइक्लिक प्रूफ करना है, एल के एम और एन, हमको इस ए से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है इस एंगल से, क्योंकि भैया जब तक आप इसका और इसका सम कितना नहीं प्रूफ कर रहे हो, तब तक कोसाइक्लिक नहीं होने वाला, तो इसीलिए हम ये पॉइंट इस ए की जगह कौन सा ए ले लिए, ये वाला ए ले लिए, हो गया। अब हमको सीधा सीधा बताओ ये कितना है ए, ये कितना डिग्री है, ए प्लस 90, और प्लस इसका वैल्यू कितना है, बी, तो ये जो है इसका सम कितना आना चाहिए, 180। तुम लोग ए और बी कितना निकाले थे, 90, ए और बी को क्या लिख दिए, और प्लस क्या आ गया, कितना आ गया, अगर 180 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, ओ साइक्लिक, ठीक है, बस यही चीज। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट था, हमको ये ए का नहीं, हमको ये वाले ए का चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि ये और ये पॉइंट्स को हमको क्या करना था, कोसाइक्लिक करना था, तो थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है, तो तुम लोग भी बनाना पड़ेगा, तुम लोग को ऐसे बिना इसके नहीं बनने वाला। यहाँ पे तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होता है, इसको आज कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग को टेंजेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंजेंट्स कंप्लीट कर देंगे।